नमस्कार दोस्तों, आईपीएल के दूसरे चरण में यूएई में फिर से कोरोना महामारी का आया प्रकोप। आज दिल्ली और हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले से पहले हैदराबाद का खिलाड़ी पाया कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद आईपीएल पर फिर से सस्पेंस बन गया। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में, तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि आईपीएल 2021 का पहला चरण भारत में खेला जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से वह स्थगित हो गया था, जिसकी वजह से बाकी बचे मैचों को बीसीसीआई ने यूएई में करवाने का फैसला लिया। लेकिन यूएई में कोरोना महामारी का आतंक देखने को मिला। आईपीएल के दूसरे चरण में 3 मुकाबले यूएई में सफलतापूर्वक हो चुके थे, लेकिन आज दिल्ली और हैदराबाद के बीच चौथा मुकाबला खेला जाना था। लेकिन इस मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद नटराजन के संपर्क में ऑलराउंडर विजय शंकर, टीम मैनेजर विजय कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट श्याम सुंदर जी और अन्य स्टाफ मेंबर भी संपर्क में थे, जिसकी वजह से उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन उन सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब आईपीएल के बचे दूसरे चरण के मुकाबलों में विजय शंकर और टी नटराजन टीम से नहीं जुड़ पाएंगे। बीसीसीआई ने पुष्टि की गई है कि आज रात दिल्ली और हैदराबाद के बीच मुकाबला 7:30 पर खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।